सीनियर सहाफी जनाब अजीजुल्ला सरमस्त की सरप्रस्ती में नौजवानों के एक ग्रुप ने गरीब नादारों मोहताजों यतीमों बेवाओं ज़ईफ़ों की मदद करने के लिए अल करीम बैतुल माल कायम किया है। अल करीम बैतुल माल का दफ्तर नज़्द मस्जिद शाहाना नफीस नूर बाग रोजा बी गुलबरगा में कायम किया गया है। हजरत सैयद शाह हिदायतुल्ला साहिब खादरी सदरनशीन दरगाह हजरत हयातुल्ला बादशाह खादरी इमली महला गुलबरगा ने एकम रमजान मुबारक को बाद नमाज असर अल करीम बैतुल माल की गाड़ी का इफ्तिताह अंजाम दिया और गरीब व नादर खवातीन में रमजान फूड पैकेज तकसीम किए। मौलाना मोहम्मद नू सदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिला गुलबरगा अजीजुल्ला सरमस सीनियर सहाफी और मकबूल अहमद सगरी सेक्रेटरी मजलिस तामीर मिल्लत जिला गुलबरगा ने मेहमाना ने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अल करीम बैतुल माल गुलबरगा की गाड़ी गुलबरगा शहर में घर घर पहुँच कर नाकाबिले इस्तेमाल और नाकारा अशिया रद्दी पुराने कपड़े इकट्ठा करेगी और इससे होने वाली आमदनी से गरीबों नादारों की मदद की जाएगी। अहले खैर असहाब से अल करीम बैतुल माल की माली इमदाद करने की अपील की गई है ताकि गरीब व नादारों मोहताजों की मदद की जा सके। गरीब नादारों मोहताजों की मदद के लिए नए कपड़े भी दिए जा सकते हैं। अतियात और माली इमदाद में ताउन के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर रब पैदा करें। आज शाहाना मस्जिद के रूबरू अल करीम बैतुल माल का आज इफ्तिताह हुआ। अल करीम बैतुल माल की जानिब से और पूरी तहकीक के साथ जितने भी गुरबा व मसाकीन हैं उन तमाम लोगों को रमजान पैकेज दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करता हूं और ये ख्वाहिश करता हूं कि शहर गुलबरगा के जो भी हजरात जो ताउन करना चाहें अल करीम बैतुल माल जो आज ही इफ्तिताह हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आज गरीबों को टोकन बांटा गया और उनको अनाज तकसीम कर दिया गया है। मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अल करीम बैतुल माल के लिए ताउन कर रहे हैं और ताउन करते आ रहे हैं। नूरबाग नज़्द मस्जिद शाहाना नूर के पास अल करीम बैतुल माल का इफ्तिताह अमल में आया। जनाब सीनियर साहब अजीजुल्ला सरमस साहब की ज़ेर निगरानी और सरपरस्ती में एक बहुत ही नेक काम और गरीबों की इमदाद बेवाओं यतीमों की इमदाद के लिए जो बैतुल माल का क़याम अमल में आया गया है मैं उसकी कितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं चाहता हूँ कि तमाम जो लोग जिसके पास जो इस्तेमाल में जो सामान अशिया नहीं आते वो अल करीम बैतुल माल को डोनेट करें और अपना माली ताउन भी दें। न दौलत से न शोहरत से न बंगला न गाड़ी रखने से मिलता है सुकून दिल को किसी गरीब की मदद करने से। शेख अहमद और नौजवानों के एक ग्रुप ने अल करीम बैतुल माल का एकम रमजान मुबारक से आगाज़ किया है। इस बैतुल माल के ज़रिए गरीबों बेवाओं मोहताजों नादारों की मुमकिन मदद की जाएगी। इस बैतुल माल के ज़रिए घर घर जाकर जो नाकाबिल इस्तेमाल अशिया हैं रद्दी पेपर हैं उनको इकट्ठा किया जाकर उनकी आमदनी से गरीबों की मदद करने का एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है। नौजवान काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने गरीबों की इमदाद के लिए एक ग्रुप तश्कील देते हुए बैतुल माल कायम किया है। मैं गुलबरगा के अहले खैर हजरात से भी अपील करता हूं कि वो इस नौजवानों के ग्रुप की मदद फरमाएं और ख़ास तौर पर अपने अपने घरों में जो नाकबिल इस्तेमाल अशिया हैं रद्दी पेपर हैं बहुत सारा सामान पड़ा हुआ होता है जो किसी काम में नहीं आता अब अल करीम बैतुल माल को दिया जाए तो उसका सही इस्तेमाल हो सकता है और उसकी गरीबों से मदद हो सकती है। अजीजुल्ला सर मस्त साहब की निगरानी में अल करीम बैतुल माल चला रहे हैं। आप असरत से भी इस बैतुल माल का ताउन करें कि हम गरीब बेवा लोगों की मदद कर सके। ये टमटम के ड्राइवर हैं जो गुलबरगा शहर में घूम फिर कर लोगों से नाकाबिल इस्तेमाल अशिया उनके घरों से जमा करके लाते हैं तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों नौजवान। इनके साथ नौजवानों की एक टीम काम कर रही है। मोहम्मद अब्दुलरज़ाक ताहब अल करीम बैतुल माल के सरगर्म समाजी कारकुन हैं और अल करीम बैतुल माल को चलाने में इनका भी बहुत बड़ा ताउन है।